मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का पेज नंबर 55 है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, चैप्टर 4 का पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्यूब की, तो वो हमने टॉपिक कंप्लीट कराया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था आप लोग को, बाकी कॉलम मैथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब्स। कॉलम मैथड यूज कर क्यूब फाइंड करने का कॉलम मैथड पढ़ेंगे हम लोग। तो पेज नंबर 55 पे आप लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे किस तरीके से करना है। तो इसमें फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिया गया है, 23 लिया गया है। सपोज वी हैव आर टू फाइंड द क्यूब ऑफ 23, बाय दिस मेथड वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स दिए हुए इसमें, बुक में देखेंगे आप लोग, उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। मैं इसको आप लोग को बता दे रही हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने 23 को ले लिया है, यहाँ पे 23 है, उसका क्यूब फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू टेंस डिजिट, मतलब जो टेंस डिजिट है हमने उसको ए मान लिया है, और जो यूनिट डिजिट हमारा इसमें कौन सा है, 3 है, 3 यूनिट डिजिट है, और टेंस प्लेस कौन सा है हमारा, 2 है। तो यूनिट डिजिट को हमने टेंस डिजिट जो था वो 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पे ए कंसीडर किया है, और यूनिट डिजिट 3 है उसको हमने बी कंसीडर किया है। उसके बाद स्टेप सेकेंड में आते हैं, स्टेप सेकेंड देखेंगे हम लोग बुक में क्या लिखा हुआ है। मेक 4 कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमने क्या किया, 4 कॉलम बनाए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम बनाए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉलम बनाने के बाद में हेडेड बाई ए क्यूब, 3ab² एंड बी क्यूब रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, इसमें एक हेडिंग डाली है, जो कॉलम्स बनाए हैं इसके किया है। थर्ड स्टेप में दिया है, राइट द वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, 3ab² एंड बी क्यूब इन कॉलम्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। फोर्थ स्टेप दिया है, अंडरलाइन द यूनिट डिजिट ऑफ बी क्यूब इन कॉलम फोर्थ एंड कैरी ओवर द टेंथ डिजिट ऑफ इट इफ एनी टू द कॉलम 3 एंड ऐड टू इट टू द वैल्यू ऑफ 3ab². तो इस तरीके से ये दिया हुआ है हमारा, देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी हमने ये कॉलम बना लिया है, एक कॉलम बनाया, फर्स्ट कॉलम जो था उसमें ए क्यूब, सेकेंड कॉलम में 3ab², थर्ड कॉलम जो है वो 3ab², फोर्थ में है ए क्यूब। तो ये क्या है, अगर ए बी जो था ये हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट को कंसीडर कर लिया है, ये है ए क्यूब। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि ए क्यूब, 3ab² ये सब कहाँ से आ गया, तो ये क्या किया गया है, इसको फाइंड करने का एक मेथड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्यूब है तो वैल्यू पुट कर देंगे, बी क्यूब है तो बी की प्लेस पे यहाँ पे हमने बी किसको कंसीडर किया है, 3 को किया है, और 3 हमारा यूनिट डिजिट है, तो बी क्यूब है तो बी की प्लेस पे 3 है तो 3 क्यूब। थर्ड कॉलम में दिया हुआ है 3ab² तो 3 है तो 3, और ए क्या है हमारा, 2 है, तो 3 × 2 × b² मतलब कि 3² सेकेंड कॉलम में देखते हैं, सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है हमारा 3ab² है तो 3 × a के प्लेस पे 2 है तो 2² × b, b कितना है 3 लिख दिया हमने। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम जो है उसमें दिया हुआ है ए क्यूब है तो a कितना है हमारा, 2 है, तो 2 कितना हो गया हमारा, ये a क्यूब है तो 2 क्यूब हो गया। वैल्यू इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 3 क्यूब है तो 27 हो जाएगा, 3 × 3 × 3 = 27, ये हमारा हो गया 3 × 2, 3 × 2 = 6, और ये 9 हो गया, तो 9 × 6 = 54। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 2 की पावर 2 × 3 है, तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, और ये 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो गया हमारा। करना कैसे सॉल्व इसको ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी है, जो यूनिट डिजिट है उसको अंडरलाइन करनी है, तो 27 का यूनिट डिजिट 7 है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया 7 को, बाकी 2 जो बचा इसको हम कैरी ला के नेक्स्ट कॉलम में इसको ऐड कर दें। 2 को ला के हमने यहाँ 54 में ऐड किया तो कितना हो गया, 56 हो गया। 56 में हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, इसमें बचा 5, 5 को हम ला के यहाँ पे कॉलम सेकंड में ऐड कर देंगे, तो 5 यहाँ सेकंड में हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा कितना हो गया, 41। 41 में भी हमने 6 को अंडरलाइन किया, ऐड किया तो यहाँ पे 4 है, 4 को कैरी ला के हम यहाँ पे कर दिए, ऐड कर दें, तो ये हो गया हमारा 12। 12 के बाद में यहाँ पे कोई कॉलम है नहीं तो कोई कैरी जाना नहीं, तो दोनों को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है,
जितने भी अंडरलाइन डिजिट है उसको हमें लिख लेना है, लेफ्ट टू राइट हमें राइट करना है इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अंडरलाइन किया था 12 को 12, 1, 6, 7, हेंस 12,167 इज़ द रिक्वायर्ड क्यूब। तो ये 23 का हमारा क्यूब हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पेज नंबर 25 पे ही, ये 55 पे ही दिया, 57 पे, सॉरी 57 पे नहीं दिया है, 55 पे ही दिया हुआ है, एक एग्जांपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 की पावर 3 बाय यूजिंग कॉलम मेथड। तो इसको भी एग्जांपल है, इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करना है। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जांपल इसमें दिया है 32 की पावर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 की पावर 3 बाय यूजिंग कॉलम मेथड। इसको भी इसी तरीके से करना है। बुक में देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। पेज नंबर 56 पे है एग्जांपल, तो 56 पे सॉल्यूशन है इसका। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट उसको हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को कंसीडर कर लेंगे हम। बी हमने क्या, लेट बी इक्वल्स टू 2, 2 क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट है, और ए इक्वल्स टू 3, मतलब कि ए हमारा 10th प्लेस को हम ए कंसीडर कर लेंगे। सेम कॉलम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे उसमें बताया था मैंने। तो उसमें कॉलम बनाएंगे हम लोग, ए क्यूब 3a² बी, 3ab² बी क्यूब, कॉलम 1, 2, 3, 4 कॉलम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में जो वैल्यूज है उसको पुट करेंगे। पहला बी क्यूब है, तो बी क्यूब, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 कंसीडर की है, मतलब 2 को हमने बी कंसीडर किया है। तो बी को, बी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, बी क्यूब है तो 2 क्यूब यहाँ पे पुट किया हमने। उसके बाद में 3 है तो 3 लिखा हमने यहाँ पे, 3 ए, ए की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 इंटू बी की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2। सेकेंड कॉलम में आते हैं हम लोग, तो सेकेंड कॉलम में हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 × ए की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर 2 इंटू बी, बी कितना हमारा 2 है, ए क्यूब है तो 3 की पावर 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, 2 की पावर 3 8 हो गया हमारा। इसको सॉल्व किया, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54 और 3 की पावर 3 = 27। उसके बाद अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन किया हमने 8 को, अंडरलाइन किया यहाँ पे, और कोई डिजिट नहीं है तो कैरी यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में 8 को अंडरलाइन किया, यहाँ पे 36 था, इसमें यूनिट डिजिट 6 है तो 6 को अंडरलाइन किया, यहाँ कैरी हमारा 3 है, 3 हम यहाँ ला के ऐड कर दिए 54 में, तो ये हो गया 57। 57 में हमने 7 को अंडरलाइन किया, 7 यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट को किया, और बाकी जो 10th डिजिट है वो उसको हमने दूसरे कॉलम में ला के ऐड कर दिया हमने, हम लोगों ने तो ऐड किया, तो ये हो गया 32। 32 में क्या आगे कोई कॉलम नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या किया, 32 को ही अंडरलाइन कर दिया। हेंस 32 की पावर 3 = 32,768, ये हो गया हमारा आंसर। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। उसके बाद में होमवर्क है आप लोग के, 2 क्वेश्चन हैं। होमवर्क मैंने दिया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 की पावर 3 बाई यूजिंग कॉलम मैथड। तो क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ मैं आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 की पावर 3 या 27 की पावर 3 बाई यूजिंग कॉलम मैथड, तो इसको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है होमवर्क का आप लोग का, फाइंड द वैल्यू ऑफ 43 की पावर 3, क्या है 43 की पावर 3 बाई यूजिंग कॉलम मैथड। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग को जो क्वेश्चन, जो कॉलम मेथड आप लोग को समझाया गया है वो देखेंगे किस तरीके से करना है। बुक में भी दिया है, पेज नंबर 55, 56 पे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में जो कॉलम मेथड में भी दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में 2 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया है, 27 की पावर 3 और 43 की पावर 3, वो भी कॉलम मेथड से ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया हमने, इसको भी कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 जो है उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है जो अब एग्जांपल सॉल्व करने के बाद में हम लोग को जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी सॉल्व करने में।
तो उसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग कॉपी में करेंगे, और बाकी दोनों होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के साथ में।